उस बंदे की बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स में अंडर 50 रैंक आई थी और उसकी बीएचयू मैथमेटिक्स ऑनर्स विद स्टैटिस्टिक्स सीट कंफर्म है विद कंप्यूटर साइंस बीएचयू में, वो पढ़ रहा है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मैं आपका बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मेंटर होने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ यार, ठीक है। मेरा नाम तुषार है एंड मैंने जो अपनी स्कूलिंग की थी वो जेएनवी से की थी। देन उस 12th के बाद मैं सुपर 30 में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, जहां मैंने आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस की प्रिपरेशन की। उसके बाद मुझे आईआईटी बीएचयू में पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। और यहां पे मैं आपकी मेंटरिंग करूंगा यार, मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स कितना कठिन है, क्योंकि बच्चे उसको बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा वो कितना कठिन है, कितना आसान है, ठीक है, राइट। और हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली है इन आने वाले 6 महीनों में, ठीक है, क्योंकि यार अप्रोक्स 6 मंथ्स बचे हुए हैं पेपर होने को, एग्जाम होने को, जो टेंटेटिव है, राइट। तो हम कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन, मतलब एक बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में सीट कंफर्म हो जाए, ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना यार, ठीक है। और बीएचयू पाठशाला का जो ऐप है, ठीक है, यू पाठशाला, वो प्ले स्टोर पर है, ठीक है, आपको दिख जाएगी इमेज यहाँ पे, तो आप उसको जाके जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल, ठीक है, और कंटेंट प्लस मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है, तो उसको जाके जरूर से जरूर डाउनलोड करें, राइट। तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स का एग्जाम कितना कठिन है, ठीक है। तो साफ सीधा आंसर है भाई, कठिन तो है, ठीक है, कठिन तो है। लाइक जो आपका जेई मेंस का पेपर होता है, ठीक है, उससे मैं इसका कंपेरिजन कर सकता हूँ। क्यों? हालांकि जेई मेंस से थोड़ा लेवल इसका कम होता है, ठीक है, बट मैं फिर भी इसका कंपेरिजन क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये कि इसकी सीट्स कम होती हैं, ठीक है। जेई मेंस का एक एग्जाम देते हो तो उसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं, ठीक है, बच्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट सीट्स सफिशिएंट होती है, बट इसमें 450 ही सीट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यार कठिन होने का कि आप लोग अभी अभी 12th क्रॉस करके आए हो, ठीक है, और पहला ऐसा एंट्रेंस होगा जो आप देने जा रहे होगे बड़े लेवल का, ठीक है, और जिसमें कंपटीशन भी टफ है। तो कठिन तो होने वाला है, बट आसान कैसे हो सकता है? आसान सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो सकता है यार, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बीएचयू पाठशाला के साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? बहुत बड़ा रीज़न है यार, ठीक है। देखो मैं आईआईटी में हूँ अभी, ठीक है, मैंने इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड वाले बच्चों को भी पढ़ाया, ठीक, आईआईटी जेई एडवांस वाले बच्चों को भी पढ़ाया, मेंस वाले बच्चों को भी पढ़ाया, जिनके बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए हैं उनको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एंड बोर्ड्स वाले बच्चों को भी जो 95+ परसेंटेज लाए उनको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरी बात मैं फायदा आपको बताता हूँ यार, ठीक है, मेरे होने का आपके साथ फायदा यह है कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जो मेरे साथ सुपर 30 में था, वो बेसिकली जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, जनरल था कैटेगरी से वो, राइट। तो अब जेई मेंस में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता है ना जनरल का, तो उस बंदे का यार अच्छी रैंक नहीं आई जेई मेंस में उसके, इसलिए उसको एनआईडीज वगैरह नहीं मिली, बट उसने प्रिपरेशन की थी जेई मेंस की, ठीक है, उस वजह से बिना बीएचयू बीएससी की प्रिपरेशन किए उस बंदे की बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स में अंडर 50 रैंक आई थी और उसकी बीएचयू मैथमेटिक्स ऑनर्स विद स्टैटिस्टिक्स सीट कंफर्म है विद कंप्यूटर साइंस बीएचयू में, वो पढ़ रहा है अभी, ठीक है। कभी मौका मिलेगा आप लोग, किसी का सिलेक्शन होता है तो जरूर मिलाऊंगा मैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे होने का फायदा ये है यार कि मुझे पता है लेवल, मैंने उस लेवल की प्रिपरेशन की है, उस लेवल के बच्चों को पढ़ाया है, तो मुझे वो टिप्स ट्रिक्स पता है, जिससे आपको यार क्वेश्चन देखो आंसर जो और एजुकेटर्स नहीं करा पाएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए बीएचयू पाठशाला के ऊपर ट्रस्ट करना बनता है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना बनता है, ठीक है। बस एक चीज चाहिए कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, राइट, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ठीक है, जितने भी टाइम मुझे मिलेगा आपके लिए समर्पित रहेगा, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। देखो अब हमारा प्लान क्या रहने वाला है, ठीक है, प्लान क्या रहने वाला है,
तो देखो शुरुआत हम कहां से करेंगे, शुरुआत तो स्टार्टिंग हम करेंगे यार, स्टार्टिंग ऑफ बीएचयू बीएससी मैथ्स, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो ये क्यों, अब आप लोग में से कुछ बोलोगे भैया पहले सिलेबस कवर करा दो यार, पहले ये करा दो, पहले वो करा दो, ठीक है मैं मानता हूं आप भी सही हो, बट मेरा मानना क्या है, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, वेदर वो जेई मेंस हो, नीट हो, बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, बीए हो, कोई भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे पहला चरण आपका किसी भी प्रिपरेशन को करने का ये होना चाहिए कि आप पहले पेपर को जानो कि भाई यहाँ किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने कठिन क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको देखते ही फोड़ना सिखाऊंगा, आप क्वेश्चन देखोगे सीधे आंसर करोगे, ठीक है, वो भी शुरुआत की कुछ वीडियोस में, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ रहने का फायदा क्या होने वाला है आपको आने वाले 4-5 महीनों में, राइट। क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स जिससे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पुट करो, ऑप्शन पुट करो, ठीक है, आंसर मिलेगा, ठीक है, मन में पुट हो जाएंगे आंसर, राइट। तो ये चीज आपको बताने वाला, ठीक है, क्योंकि भाई आता सबको है, ठीक है, आता सबको है, सिलेक्शन किसका होता है, जो जल्दी करता है, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है दिमाग से सॉल्व करने की, मन में सॉल्व करने की, ठीक है। आप जितनी देर में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो बंदा 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो उसके पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बच जाएगा जो कोई नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो। अब मान लो यार क्वेश्चन आ गया यार, कोई मान लो यार लाइन की क्वेश्चन दी है, ठीक है, उसका वो निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मान लो, ठीक है, तो आप लगाने बैठ गए, उस बंदे ने यार दिमाग से कर दिया भाई ये होगा, ठीक है, उसने दिमाग में ही सॉल्व किया, ठीक है, तो उस बंदे के पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बच गया जो ना आपको आ रहा था ना किसी और को आ रहा था, उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसका हो गया, ठीक है, उसका सॉल्व हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, राइट। तो यही डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, राइट। देन ये मैं बेसिकली मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ी बहुत चेंजेस होगी तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें बेसिकली हम दोनों चीज की बात करेंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, शुरुआत की कुछ वीडियोस इसी पे होंगी, ठीक है। अब मेरे भी एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम नवंबर एंड में, तो थोड़ा मैं भी बिजी रहूंगा, राइट, तो हम इससे शुरुआत करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा भाई, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो टॉपिक आएंगे यार जो बेसिक है, ठीक है, जिनकी मदद से आपको अगर मान लो वो टॉपिक्स ना आते हो तो आप आगे का नहीं कर सकते, ठीक है, उन टॉपिक्स से हम शुरुआत करेंगे, ताकि मैं जो करा रहा हूँ उसके साथ आप अपने मन से भी करें, ठीक है, मैं जितना करा रहा हूँ आपको खुद से भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप दूसरों से अलग हो पाओगे। सिलेक्शन क्या कहता है यार, सबके जैसा नहीं बनना, उनसे अलग होना है तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, यही क्राइटेरिया होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, बेसिक स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, बेसिक्स, जो हमारे बेसिक्स है, बहुत बच्चों को बेसिक्स आता होगा, वो बोर भी होंगे, नहीं वो नहीं होगे, तुम भले आता होगा आप शुरुआत के 2-4 मिनट स्किप करोगे, बट जब क्वेश्चंस की बारी आएगी ना आप जरूर एंजॉय करोगे, ये मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको, राइट। तो बेसिक्स हमने कर लिया, फिर उसके बाद हम प्रॉपर, ठीक है, अपने जितने भी चैप्टर्स हमारे प्रॉपर हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो टेंटेटिव है क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यार इतनी एबिलिटी है मेरे अंदर कि आने वाले क्वेश्चन में गेस कर दूं, क्योंकि यार मैंने जो बच्चों को क्वेश्चन बताया ना अपने एज इट इज जेई मेंस में आए हैं, ठीक है, एज इट इज बोर्ड्स में आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब आपको गेस किए हुए पेपर दिए जाएंगे, राइट। और प्रॉपर प्रीवियस ईयर तो यार मतलब एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा मैं खुद, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बोल दूँ कि आप सॉल्व करो, नहीं, खुद, ठीक है, वो भी ट्रिक्स से, टिप्स से, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और टिप्स भी बताऊंगा। पहले क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ट्रिक कोई काम की नहीं है, ठीक है, मैंने जिंदगी में अब तक कोई ट्रिक सीखी नहीं है कहीं से, ये सब मेरी बनाई हुई है, ठीक है, मेरी बनाई हुई, सीखी नहीं है, मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि मेरी वाली ना ही सीखो तो बेटर है, सीख लो तो ठीक है, बट बनाओ किसकी, खुद की ट्रिक, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना आपकी खुद की ट्रिक बनेंगी और वो याद रहती है और वो फायदा भी करती है, राइट। तो हम पूरा अपना कोर्स समाप्त करेंगे, राइट, और ये सब चीज
लगभग लगभग 3.5-4 मैक्स टू मैक्स खींचेगा, बस इतने में कंप्लीट हो जाएगा राइट। उसके बाद बचे 2 महीने, अब क्या करेंगे 2 महीने क्या करेंगे ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 2 महीने हम बेसिकली करेंगे यार क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर सॉल्व राइट। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का वो क्या होता है भाई आपका, देखो मेरा मानना है, मैंने आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको रिकमेंड किया है कि आपका जैसे एग्जाम है 2-5 दिन में ठीक है, तो भाई 1 महीने पहले से वही शेड्यूल बना लो कि आपको 2-5 एक पेपर सॉल्व करना है, बिना टॉयलेट जाए, बिना वॉशरूम जाए, बिना पानी पिए, जैसा कि एग्जाम सेंटर में माहौल होता है भाई। तो मतलब तुम 30 एग्जाम दे चुके हो ठीक है, अब आपको एग्जाम में जाने के बाद कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज नहीं होना चाहिए ऐसा कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, नहीं, क्योंकि भाई 30 एग्जाम आप फोड़ चुके हो, 30 एग्जाम में अच्छा स्कोर कर चुके हो। क्यों अच्छा स्कोर कर चुके हो, क्योंकि आपने 3-4 महीने बीएचयू पाठशाला मेरे साथ मिलकर मेहनत की है, इसलिए वो आप 30 एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, वो जो आप घर पे दोगे ठीक है, और 30 एग्जाम में दिए सेलेक्ट हो गए, तो ये जो 31st एग्जाम आप वहां जाके दोगे सेंटर पे, उसमें भी सेलेक्ट होना कंफर्म है राइट। तो भाई इतनी सारी मेहनत हमें करनी है, ये है हमारा प्लान ठीक है, और भी बहुत सी चीजें वीडियोस वगैरह होंगी आपके बीच बीच में, वो मैं बीच बीच में थोड़ी सी मस्ती वाली चीजें भी प्लान करता रहूंगा ठीक है, बट बेसिक हमारा ये चीज है ठीक है, ये मैथ्स के साथ भी होगा और फिजिक्स भी मैं ही देखने वाला हूँ आपका, तो वो उसके साथ भी यही होगा राइट। तो अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स रन होने वाला है ओके। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो ठीक है, लाइक कर देना मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे ठीक है, जितने ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना मजा मुझे पढ़ाने में आएगा ठीक है। बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो ठीक, उसका ऐप है उसको डाउनलोड कर लो ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूंगा राइट ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।